सभी ऑनलाइन आ जाएं, सभी ऑनलाइन आ जाओ, एक बार इन्फॉर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत ही नीरस क्लास चल रही, इतनी नीरस चल रही है कि आप लोगों का कोई रिप्लाई ही नहीं आता। अगर इधर से कोई गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है तो आप लोगों का कोई रिप्लाई ही नहीं आता कि गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून कुछ भी ऐसा करके वो करें, ना ही आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई डाउट आता है। मैंने देखा ज्योग्राफी के बहुत सारे आंसर आ रहे थे, लेकिन हिस्ट्री का किसी भी बच्चे ने एक भी आंसर नहीं भेजा है, एक भी बच्चे ने, तो वो पता चल रहा है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप साफ बोलो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। कम से कम अटेंडेंस थोड़ा सा तो रखो ना, वो गिन के जो आ रहे हैं वही दो चार लोग दिख रहे हैं, उसके अलावा और कोई नहीं ना, तो वो तो गलत है ना। ठीक है, चलो आप आओ या ना आओ, क्लास तो चलेगी, शुरू तो करना पड़ेगा आगे। ठीक है, चलो जिसको ऑनलाइन जुड़ना है जल्दी से आ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है, आगे हिस्ट्री शुरू कर दूंगा। और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके दिव्यांग बच्चे या स्पेशल बच्चे हैं उन तक इस लिंक को पहुंचाओ, ये आम जनमानस के लिए नहीं, जबकि स्पेशल बच्चों और ट्रांसजेंडर्स के लिए ही है। यही एक रीज़न है कि इस लिंक को क्लोज रखे हैं कि बाकी लोगों के पास ना जाए, आप लोग तक ही रहे सीमित। चलो ठीक है, अटेंडेंस अभी भी जस की तसी है, कोई बात नहीं, अपन आगे शुरू करते हैं। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है हमने पूछ लिया, अगर आपको नहीं आ रही होगी तो मैसेज कर देना। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं। हमारा क्या हुआ था, मौर्य युग शुरू हो गया था। मौर्य युग शुरू हुआ था उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसके पूरे क्या क्या स्त्रोत हैं, उसके बाद हमने दो राजाओं को भी पढ़ लिया था, दो शासकों को पढ़ लिया था, जिनमें से पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे बिंदुसार। क्लियर हो गया, हम अशोक में आए थे और उसके बाद क्या हुआ था, हमारा क्लास खत्म हो गया था। क्लियर है, चलो अशोक में जो आए थे, अशोक का आप तीन से चार चीज जो मैं बताया था उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, चलो बिंदुसार के बाद अशोक जो है गद्दी पर बैठे, अशोक गद्दी पर बैठे और सिहली अभिलेख या स्त्रोत के अनुसार यह कहा जाता है अशोक ने गद्दी में बैठकर बैठने के लिए या बैठने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। क्लियर है, अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। और साथ ही हमें यह भी जानकारी मिलती है, अभिशोक के जब हम धम्म पढ़ेंगे तो पांचवें नंबर के धम्म में हमें यह जानकारी मिलती है अशोक के पांचवें अभिलेख में कि उनके जीवित भाई और उनके परिवारों की भी क्या है, जानकारी मिलती है। लेकिन हमें क्या है कि प्रारंभिक डेटा जो है अशोक के काल का कुछ कुछ चीज़ जो है मिसिंग है, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अशोक का शासनकाल भी क्या था, अपने पूर्ववर्त राजाओं की ही तरह था या शासकों के तरह ही था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो तो चंद्रगुप्त मौर्य के हमने क्या बताए थे कि सात नाम थे, तो अशोक महान के भी क्या थे, अलग अलग नाम थे, उनके राजकीय नाम अलग थे, उनका घर का नाम अलग था, उनके अभिलेखों में उनके शिलालेखों में अलग अलग नाम मिलता है, तो उस नाम को हम आगे बोर्ड में लिख के डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या देखे थे, अशोक की जो रानियाँ थी वो चार रानियाँ थी। ठीक है, अशोक की चार रानियाँ थी, उनमें से एक रानी जिसका नाम था तिसारक, ठीक है, उसने बौद्ध धर्म के प्रति क्या किया था, घृणा का भाव रखते हुए बोधि वृक्ष को क्या किया था, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अशोक के 13वें धम्म या 13वें अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक का युद्ध हुआ था जो कि एक भीषण युद्ध था, और ये युद्ध हुआ था कलिंग के राजा के विरुद्ध। ठीक है, कलिंग के राजा का क्या नाम है इसकी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये कहते हैं कि कलिंग का जो भीषण युद्ध था वो इतना भीषण था कि 1,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 1,50,000 लोग क्या हुए थे, 1 से 1.5 लाख कैदी बना लिए गए थे, और लगभग 1,00,000 से ज़्यादा लोग युद्ध के कारण हुए परिणामों के कारण या अन्य कारणों से क्या हुए थे, मर गए थे या क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और इन विभीषक युद्ध को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने क्या किया, बौद्ध धर्म की क्या ले लिया, आश्रय ले लिया, और बौद्ध धर्म ग्रहण करके क्या किया,
अपने हिसाब से अपने आप को मतलब युद्ध से क्या कर लिया, वापस धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक के एक नॉर्मल जानकारी थी। अशोक के बाद भी कुछ राजा आए हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनके हमें सिर्फ नाम याद होना चाहिए कि अशोक के बाद कौन कौन से राजा आए हैं। ठीक है, तो उनमें है दशरथ, संप्रति, शैलीसुत, दशरथ, संप्रति, शैलीसुत, देववर्मन, शताधवन, शैलीसुत, देववर्मन, शताधवन, देववर्मन, शताधवन और लास्ट में वृहद्रथ। यह माना जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक संभवतः वृहद्रथ था। क्लियर है यहां तक सबको? संभवतः वृहद्रथ था। क्लियर है सबको? चलो, तो अशोक की जो जानकारी हम बोले हैं उसी को बोर्ड में सिर्फ कीवर्ड्स लिख दे रहे हैं, जो देख के लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट कर लें। क्लियर है? चलो, जो देख के लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट कर लें, मैं उस चीज को बोर्ड में की पॉइंट्स को लिख दे रहा हूं। सिहली लिखते चलो, सिहली स्त्रोत के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की, 99 भाइयों की हत्या की, हत्या की। सिहली अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और गद्दी पर क्या हुए, विराजमान हुए और गद्दी पर बैठे। क्लियर है? गद्दी पर बैठे। दूसरा, हमें पांचवें शिलालेख से, पांचवें शिलालेख जो अशोक के धम्म है, पांचवें धम्म लिख लो, पांचवें धम्म से उनके जीवित परिवार, उनके जीवित भाई और परिवार की जानकारी मिलती है। जीवित भाई, भाइयों और परिवार की जानकारी मिलती है। ठीक है, परिवार की जानकारी हमें क्या करती है, मिलती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखते हुए चलो, और ये अशोक के हमें आरंभिक शासनकाल की जानकारी क्या है, नहीं मिलती है। आरंभिक शासनकाल की जानकारी क्या है, नहीं मिलती है। आरंभिक शासन की जानकारी हमें नहीं मिलती है, याद रखना है ना, अशोक के आरंभिक शासनकाल की जानकारी नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। अब मैं बोल रहा हूं अशोक के विभिन्न नाम, अशोक जो है उनके विभिन्न नाम थे, उनका राजकीय नाम अलग था, उनका वो कुछ नाम अलग था। ठीक है, तो उसको आप नाम को याद कर लो लिखते हुए चलो। ठीक है, अशोक के विभिन्न नाम आप हेडिंग डाल सकते हो। चलो, इसमें पहला है पियादस्सी, 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 आराम से लिखना पियादस्सी, पियादस्सी इनका आधिकारिक नाम था, पियादस्सी इनका आधिकारिक नाम था। पियादस्सी इनका आधिकारिक नाम था। दूसरा इसमें लिख लीजिए आप देवाना प्रिय, पियादस्सी इनका अधिकार, पियादस्सी इनका आधिकारिक नाम था। दूसरा लिखो देवाना प्रिय इनका राजकीय नाम था,
राजकीय नाम था। तीसरा अशोक, अशोक याद रखो, अशोक नाम की जानकारी हमें गुज्जर, नित्तूर और उद्गोलन अभिलेख से मिलता है। एक ही लिख लो, उद्गोलन अभिलेख, उद्गोलन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अभी सबका मैसेज आया कि आवाज क्लियर है, ठीक है। मगध का राजा, इनका एक नाम था मगध का राजा, ये जानकारी हमें मिलती है बाभ्रू अभिलेख से, बाभ्रू अभिलेख से, मगध का राजा ये जानकारी हमें बाभ्रू अभिलेख से मिलती है, बाभ्रू अभिलेख से मिलती है। ठीक है, पांचवा नाम लिख लो इनका, पांचवा नाम था इनका अशोक मौर्य, अशोक मौर्य, अशोक मौर्य, अशोक मौर्य, और ये याद रखना हमें ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी क्या है मिलती है। क्लियर हो गया। छठवां नाम इनका लिख लियो, पिया दासी, पिया दसी था ऊपर वाला और यहाँ दासी है ना, याद रखना पिया दासी, ऊपर वाला पिया दसी था और नीचे वाला पिया दासी है, और ये लिख लेना कंधार अभिलेख से, कंधार अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, कंधार अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। और लास्ट वाला लिखो पिया दासी राजा, सातवां लिखो पिया दासी राजा, पिया दासी राजा, पिया दासी राजा, ये नाम उनका बराबर की गुफाओं से मिलता है, बराबर की गुफाओं से मिलता है। ठीक है, ये नाम इनका बराबर की गुफाओं से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं और नाम लिख दे रहा हूँ उनकी चार रानियों का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अशोक की चार रानियाँ थी, अशोक की चार रानियाँ थी, चार रानियाँ थी। ठीक है, इनमें से दो उनकी क्या थी, उनकी बहुत ही क्या चहेती रानियां थी, उनका नाम लिख लो। पहला असंघमिता, दूसरा तिसारक, तीसरा कारुवाखी, कारुवाखी, नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखना, पहला असंघमिता, दूसरा तिसारक, तीसरा कारुवाखी और चौथा पद्मावती, पद्मावती। याद रखना ये रानी पद्मावती नहीं है, रानी पद्मावती नहीं है। रानी पद्मावती वाली कहानी आप कब सुनोगे, रानी पद्मावती 39 के टाइम में, जब आप क्या पढ़ोगे, मुगल वाला पढ़ोगे, उस समय आपको पता चलेगा। ठीक है, रानी पद्मावती वाला मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, क्लियर है, उस समय आप इस चीज को पढ़ोगे। ये पद्मावती अलग है ना, याद रखना ये पद्मावती अलग है। असंघमिता, तिसारक, कारुवाखी और पद्मावती, ये जो तिसारक हैं इन्होंने क्या किया था, बोधि वृक्ष को, बोधि वृक्ष को क्या नुकसान पहुंचाना चाहा था, तिसारक जो है बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाना चाहा था, पहुंचाना चाहा था, इन्होंने नुकसान पहुंचाना चाहा था। और असंघमिता का रखना, वो उसकी मुख्य रानी थी, ये इनकी मुख्य रानी थी, असंघमिता जो फर्स्ट नाम लिखे हैं ये इनकी मुख्य रानी थी। क्लियर हो गया सबको, चलो वापस आ जाते हैं क्लास में एक बार, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध अभी मैं आपको पूरा बता चुका हूं, जल्दी से बस ये लिख देता हूं, कलिंग का युद्ध, इसका डेट याद रखना आप, कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में हुआ, और इस युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था,
बौद्ध धर्म क्या किया था? ग्रहण कर लिया था, ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्लियर है? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी इसी कलिंग युद्ध के बाद में। अशोक ने कलिंग को जीत के वहां पे दो आधिकारिक प्रशासनिक केंद्र बना लिए थे, ठीक है, उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। प्रशासनिक केंद्र बनाए थे इन्होंने, प्रशासनिक केंद्र बनाए थे, प्रशासनिक केंद्र बनाया था इन्होंने दो ठोक, और इन दोनों में एक था उत्तरी केंद्र और दूसरा था दक्षिणी केंद्र। एक था उत्तरी केंद्र और दूसरा था दक्षिणी केंद्र, ठीक है, उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र, ठीक है। अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद प्रशासनिक केंद्र दो ठोक स्थापित किया था, एक था उत्तरी केंद्र और दूसरा था दक्षिणी केंद्र, ठीक है, ठीक है सबको। चलो वापस आ जाओ क्लास में, ठीक है। चलो बच्चे और कम हो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं क्लास में। अशोक महान, जिसके बारे में हम कहानी पूरी सुन चुके हैं, अब ये याद रखना अशोक के विभिन्न नाम। सबसे पहला पियादस्सी, पियादस्सी इनका आधिकारिक नाम था, पियादस्सी इनका आधिकारिक नाम था, पियादस्सी इनका आधिकारिक नाम था, देवाना प्रिय इनका राजकीय नाम था, देवाना प्रिय इनका राजकीय नाम था। और अशोक यानी कि केवल अशोक शब्द का उपयोग नित्तूर, उद्गोलन, अभिलेख, ये सब जगह में हमें क्या मिलता है? अशोक नाम का प्रयोग मिलता है। उसके बाद मगध का राजा, अशोक को मगध का राजा भी कहा गया है बाभ्रू अभिलेख में, अशोक को मगध का राजा नाम दिया गया है बाभ्रू अभिलेख में, ठीक है, बाभ्रू अभिलेख में, बाभ्रू, बाभ्रू अभिलेख में मगध का राजा कहा गया है। और उन्हें अशोक मौर्य, अशोक मौर्य कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में, अशोक मौर्य इन्हें कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में, अशोक मौर्य इन्हें कहा गया है जूनागढ़ अभिलेख में, क्लियर है। उसके बाद पियादासी, पियादासी था ऊपर वाला, अभी दासी है, पियादासी कंधार अभिलेख में कहा गया है। और पियादासी राजा का उल्लेख बराबर की गुफाओं में मिलता है, पियादासी राजा का उल्लेख बराबर की गुफाओं में मिलता है। उसके बाद हम फिर वापस आ गए। अशोक की चार रानियां थी, असंघमिता, तिसारक, कारुआखी और पद्मावती, असंघमिता, तिसारक, कारुआखी और पद्मावती, क्लियर है। उसमें चहीती रानी या मुख्य रानी असंघमिता थी, चहीती रानी या मुख्य रानी असंघमिता थी। तिसारक, तिसारक एक रानी थी जो बौद्ध धर्म को नहीं पसंद करती थी और उन्होंने बोधि वृक्ष को क्या किया था? नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया था। उसके अलावा कारुआखी और पद्मावती थी। याद रखना ये वाली पद्मावती नहीं है, वो वाली पद्मावती अलग है, ठीक है, इनका नाम पद्मावती था, जो मलिक मोहम्मद जायसी की कथा की मुख्य नायिका पद्मावती जो रानी है, ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये दूसरी पद्मावती हैं, क्लियर है। कलिंग का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, कलिंग के युद्ध की डेट आपको याद होनी चाहिए। कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, क्लियर है, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद वो क्या किए थे? बौद्ध धर्म की शरण में चले गए थे। और याद रखना कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने दो केंद्र बना लिया था, एक उत्तरी केंद्र और एक दक्षिणी केंद्र, क्लियर है। चलो यहां तक हो गया, अब हम आते हैं अशोक के धम्म में, ठीक है, स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लो। अब हम आ रहे हैं अशोक के धम्म में, हाँ उधर अटक रहे क्या? वीडियो अटक रहा है तो एक बार इन्फॉर्म करना, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा एक मोबाइल में अटक रहा है और कंप्यूटर में क्लियर चल रहा, ठीक है ना। चलो अशोक के धम्म में आते हैं। अशोक का धम्म जो है,
ठीक है। वास्तव में क्या था, आचार संहिता की सारी बातें उसमें डाल दी गई थी। अशोक का धम्म एक आचार संहिता की तरह था, क्लियर है, अशोक का धम्म आचार संहिता की तरह था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को क्या किया था, डाल दिया गया था। अशोक का धम्म एक आचार संहिता की तरह था जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था, क्लियर है। अशोक ने इस धम्म का निर्माण जो है स्वयं भी करवाया है, जिसमें एक में अशोक खुद पूछते हैं कि धम्म एक्चुअल में है क्या, अशोक खुद पूछते हैं कि धम्म एक्चुअल में है क्या, और ये अपने दूसरे नंबर के और सातवें नंबर के धम्म में स्वयं जवाब देते हैं कि धम्म ये है, क्लियर है। तो अशोक का धम्म वास्तव में क्या था, आचार संहिता था, क्लियर हो गया यहां पे सबको। उसमें सभी अच्छी बातें थी कि मतलब मनुष्य को संयम रखना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, ऐसी सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी उनको उसमें क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था, क्लियर है। यहाँ पे अशोक के धम्म को लेके आप क्लियर हो कि अशोक का धम्म वास्तव में एक क्या था, आचार संहिता थी जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को लिख दिया गया था, ठीक है। चलो अब याद रखना, अशोक के अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख और धम्म इनकी बात करेंगे ना, तो अशोक के 14 धम्म हैं जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। अशोक के 14 धम्म हैं जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। तो आपको धम्म और उसमें कौन सी बात कही गई है ये आपको याद रखना है, अगर कोई सा एग्जाम आता है तो उसमें आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, क्लियर है। चल उसको मैं बोर्ड में लिखा रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। अशोक के जो पूरे 14 धर्म है, धम्म है, और उसके जो शिलालेख हैं 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं, उनकी लिपि भी थोड़ी सी आपको लगेगा, किसी में ब्राह्मी लिपि क्या क्या जो भी है उसमें आपको समझ में आएगा लिखते हुए। चलो सबसे पहले लिखो अशोक के धम्म, हेडिंग डाल लो। ठीक है, धम्म या शिलालेख जो भी है आप वैसा लिख सकते हो, शिलालेख ही लिखो। ठीक है ना, अशोक के अब लाइन से आप पॉइंट डालते हुए लिखते हुए चलो तो ज्यादा अच्छा है। प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख जहां पे पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा की गई है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, और उन्होंने क्या कहा है, संसार के समस्त मनुष्य मेरी संतान, समस्त मनुष्य मेरी संतान है, समस्त मनुष्य मेरी संतान, मेरी संतान है ना, सभी मनुष्य मेरी क्या है, संतान है, क्लियर हो गया। द्वितीय शिलालेख में लिखा है, द्वितीय शिलालेख में लिखा है, द्वितीय शिलालेख में यह कहा गया है कि पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सालयों की स्थापना, पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सालयों की स्थापना, चिकित्सालय, पशु और मनुष्य के लिए चिकित्सालय, तथा एक और चीज याद रखना, इसमें चोल और पांड्य राज्यों का भी क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, चोल और पांड्य राज्य का भी जिक्र किया गया है,
चोल और पांड्य राज्य का भी क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। चोल और पांड्य राज्य का भी जिक्र किया गया है। क्लियर हो गया? चोल और पांड्य राज्य का भी जिक्र किया गया है। तृतीय और चतुर्थ दोनों को मिला के लिख रहा हूं, तृतीय और चतुर्थ शिलालेख, तृतीय और चतुर्थ शिलालेख में क्या है, इसमें रज्जिकों की नियुक्ति अर्थात धर्म संबंधी नियमों का उल्लेख, धर्म संबंधी नियमों का उल्लेख, नियमों का नियम तथा रज्जिकों की नियुक्ति, रज्जुकों की नियुक्ति रज्जिकों की नियुक्ति। आप कोई सा भी जब महान साम्राज्य की बात पढ़ेंगे तो आपको हमेशा उसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन को पढ़ना ही पड़ेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन ये सारे जो रहते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी वन डे एग्जाम्स में भी क्या है, वहाँ से क्वेश्चन बना के कूट के फॉर्म में दे देता है। क्लियर है? चलो अब लिखो पाँचवा शिलालेख। पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति बताया गया है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति तथा इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख है। याद रखना, तथा समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, समाज एवं वर्ण व्यवस्था का भी क्या किया गया है, उल्लेख, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी किसमें किया गया है, पांचवें में किया गया है। समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख पांचवें में किया गया है। छठवें वाले में लिख लो आत्मसंयम की निंदा। छठा शिलालेख जो है, छठा शिलालेख जो है, छठा शिलालेख जो है उसमें आत्मसंयम की निंदा की गई है, उसमें आत्मसंयम की निंदा की गई है, उसमें आत्मसंयम की निंदा की गई है, आत्मसंयम की निंदा की गई है। छठवें शिलालेख में आत्मसंयम की निंदा की गई है। उसके बाद हम एक साथ लिखेंगे सातवां और आठवां, सातवां और आठवां शिलालेख। इन दोनों में अशोक की तीर्थ यात्राओं का क्या है, वर्णन, अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन, तीर्थ यात्राओं का वर्णन का वर्णन, अशोक की तीर्थ यात्राओं का क्या है, वर्णन है। उसके बाद आ जाओ नौवां शिलालेख, नौवां शिलालेख। अशोक के आठवें और सातवें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है तथा नौवें शिलालेख में भेंट व शिष्टाचार की व्याख्या की गई है, भेंट व शिष्टाचार की व्याख्या की गई है। भेंट व शिष्टाचार की व्याख्या की गई है। दसवें शिलालेख में, दसवें शिलालेख में ठीक है, नौवें में भेंट व शिष्टाचार की व्याख्या की गई है, दसवें में प्रजा के हित की चिंता करने का विषय बताया गया है, प्रजा हित की चिंता, प्रजा हित की चिंता के बारे में उन्होंने क्या किया है, बताया है। ग्यारहवें में धम्म की विशेषता बताई गई है, ग्यारहवें में धम्म की विशेषता बताई गई है, धम्म की विशेषता बताई गई है। बारहवें, ग्यारहवें शिलालेख में धम्म की विशेषता बताई गई है। बारहवें शिलालेख में, बारहवें शिलालेख में इन्होंने सभी मतों के सत्कार की बात की गई है, सभी मतों का सत्कार संबंध, सभी मतों का सत्कार, मतों का सत्कार मतलब सभी धर्मों का क्या करना है, सम्मान करना है, सभी मतों का सत्कार मतलब सभी धर्मों का क्या करना है, सम्मान करना है। और तेरहवें शिलालेख में इन्होंने क्या किया है, कलिंग के युद्ध का वर्णन, कलिंग के युद्ध का वर्णन,
कलिंग के युद्ध का वर्णन, कलिंग के युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में है, याद रखना। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है, ठीक है। और पांच यूनानी राजाओं का नाम है, पांच यूनानी राजाओं का नाम है जहां पे अशोक ने क्या किया था, अपने धर्म प्रचारकों को क्या किया था, भेजा था, धर्म प्रचारकों को भेजा था, धर्म प्रचारकों को भेजा था। क्लियर है? 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन था और पांच यूनानियों राजाओं का नाम है जहां पे उन्होंने धर्म प्रचारकों को क्या किया था, भेजा था। और 14वें वाले में लिख लो, उसमें ये बताए हैं कि लोगों को कैसे धार्मिक जीवन व्यतीत करना है। 14वां शिलालेख जो है इसमें लोगों को धार्मिक जीवन की, लोगों को धार्मिक जीवन हेतु प्रेरित करना और कैसे जीना है यह बताया गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये धम्म को मैं लाइन से एक बार बताते जा रहा हूं, जो सुन के लिख रहा है और जिसका छूट गया है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो ठीक है ना, एक बार आ जाओ सभी, एक बार सुन लो, और जो सुन के लिख रहे हैं वो लाइन से अगर छूट गया हो तो लिख ले, करेक्ट। चलो, प्रथम शिलालेख में इनके यानी अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और यह कहा गया है कि संसार के सभी मनुष्य मेरी संतान है। क्लियर हो गया? प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है और यह कहा गया है कि संसार के सभी मनुष्य मेरी क्या है, संतान है। दूसरे शिलालेख में पशुओं के लिए तथा मनुष्यों के लिए चिकित्सालयों की क्या करने की स्थापना करने की क्या दी गई है, यहाँ पे सलाह दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, चोल और पांड्य जो दो अलग राज्य हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। चोल, चेर, पांड्य, ये हम सब दक्षिण इधर पढ़ेंगे साइड में जब आएंगे, तो अभी फिलहाल आप बस इतना याद रखो कि द्वितीय वाले जो अभिलेख हैं इसमें चोल, चेर, पांड्य ये जो राज्य हैं इनका भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। तृतीय और चतुर्थ अभिलेख, जब तृतीय और चतुर्थ, ठीक है सर, आपने कल होमवर्क दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के सात नाम लिखकर भेजना, और मैं गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया, नहीं मिला, आप बता दीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, उसको क्लास के बाद बताएंगे, मैंने पांच नाम बताया था, पूरे सातों लिखवा दूंगा बोर्ड में। चलो ठीक है, एटलीस्ट ट्राई किए, दैट इज गुड। चलो उसके बाद हम किस में आए थे, तृतीय व चतुर्थ शिलालेख में, ठीक है। यहां पे धर्म से संबंधित नियमों को बताया गया था और रज्जिकों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। पांचवें शिलालेख में जब आएंगे, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों का क्या था, पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, और इसके साथ हमें क्या मिलता है, समाज में वर्ण और व्यवस्था का उल्लेख भी मिलता है। समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी हमको किसमें मिलता है, पांचवें वाले शिलालेख में मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं छठवें शिलालेख में, जहाँ पे अशोक, छठवें शिलालेख में अशोक आत्मसंयम की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। आत्मसंयम की निंदा और उससे संबंधित जो भी है चीज़ें उन्होंने अपने छठवें अभिलेख में लिखवाया। उसके बाद इनका सातवां और आठवां जो अभिलेख था, सातवें और आठवें अभिलेख में इनके तीर्थ यात्राओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इनके सातवें और आठवें अभिलेख में तीर्थ यात्राओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद हम आते हैं नौवां शिलालेख में, नौवें शिलालेख में अशोक ये कहते हैं कि किसी को कैसे भेंट और मुलाकात करना चाहिए, कैसे हमें शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, इससे संबंधित चीज़ों को इन्होंने किसमें किया है, नौवें अभिलेख में लिखवाया है। उसके बाद दसवें अभिलेख, दसवां जो इनका शिलालेख है उसमें वो प्रजा की चिंता, उनको कैसे अच्छे रख सकते हैं, उनके बारे में कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कल्याण कर सकते हैं, इन सब पे संबंधित क्या है, इन्होंने दसवें शिलालेख में क्या किया है, लिखवाया है।
जब हम 11वें शिलालेख में जाते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अशोक ने 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषताओं को बताया है कि धम्म ये है, धम्म ये होना चाहिए और आपको क्या है इसको फॉलो करना चाहिए। तो धम्म की सारी विशेषताएं जो है 11वें शिलालेख में क्या कर दी गई है, उत्कीर्ण कर दी गई है। 12वें शिलालेख में अशोक बोलते हैं कि सभी मतों का सत्कार करना चाहिए, अर्थात सभी धर्मों का क्या करना चाहिए, हमको आदर करना चाहिए, उस सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। फिर हम आते हैं 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कलिंग के युद्ध का क्या है वर्णन किया गया है, कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। और 13वें शिलालेख में ही हमको ये भी मिलता है कि अशोक ने 5 यूनानी राजा जो थे, मतलब अलग अलग राज्य में, वहाँ पे अपने धर्म प्रचारकों को क्या किया था, भेजा था। उसका भी उल्लेख हमको किसमें मिलता है, 13वें अभिलेख में मिलता है। फिर हम आते हैं अंतिम यानी कि 14वें अभिलेख में, 14वें अभिलेख में अशोक जो है सभी को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की क्या करते हैं, अपील करते हैं और उससे संबंधित विषयों को क्या करते हैं उसमें उत्कीर्ण करवाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, लोगों को धार्मिक जीवन से व्यतीत करने और उससे संबंधित जानकारियाँ जो हमको मिलती है 14वें अभिलेख में या शिलालेख में मिलती है। क्लियर है यहाँ तक सबको, अशोक के शिलालेख क्लियर है। ये धम्म जो है ये पूरे 14, इसमें क्या है उसकी पूरी परिभाषा, उसकी पूरी जानकारियाँ इन पूरे 14 शिलालेखों में क्या कर दी गई है, डाल दी गई है। क्लियर है सबको, ठीक है, चलो यहां तक सबका हो गया। चलो अब एक पॉइंट डाल लो, शिलालेख और उनकी लिपि, शिलालेख और उनकी लिपि, ये जो 14 शिलालेख हैं 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। मैं आपको सिर्फ 2 लाइन में इसको लिखा दे रहा हूँ, मैं 14 नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, 2 लाइन में लिखा रहा हूँ। जो मेरी आवाज़ सुन के लिख रहे हैं और जो मैम को देख के लिख रहे हैं साथ में लिखते चलें, क्लियर है। जो साइन लैंग्वेज वाली मैम को देख रहे हैं वो भी साथ में लिखें और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी। चलो सबसे पहले लिख लो अशोक के शिलालेखों की लिपि, अशोक के शिलालेखों की लिपि 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। चलो पहला पॉइंट डालो, शहबाज गढ़ी लिख लिए पहला नाम, कॉमा करके लिखो मानसहरा, शहबाज गढ़ी कॉमा मानसहरा, ये 2 अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। शहबाज गढ़ी और मानसहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद लिख लो बाकी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, दूसरा पॉइंट लिख लो बाकी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, क्लियर है, बाकी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, चलो अब लिखो स्तंभ लेख मतलब ऐसे लकड़ी का, ऐसे पिलर टाइप का स्तंभ होता है जिसमें चीज़ों को लिखवाया जाता है और उसको शहर के शाहराहों में या किसी विशेष स्थान में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। क्लियर हुआ, स्तंभ लेख का मतलब होता है एक खंबा, खंबे में चीज़ों को क्या किया जाता है, उत्कीर्ण करवाया जाता है और किसी एक स्थान में उसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो ऐसे अशोक के 7 स्तंभ मिले हैं जो कि 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, क्लियर है। ऐसे अशोक के 7 स्तंभ मिले हैं जो अलग अलग स्थानों में स्थापित किए गए हैं या प्राप्त हुए हैं, क्लियर है। चलो इसको लाइन से पूरे 6 को लिखते हुए चलना, ठीक है,
साथ में लिखते हुए चलना, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो मेरी आवाज सुन के, और जो मैम साइन लैंग्वेज देख के लिख रहे हैं वो साइन लैंग्वेज के साथ ही लिखते चलें। क्लियर है? स्तंभ लेख 7 ठोक है, 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। तो सबसे पहला लिखो प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। यह कौशाम्बी में स्थित था, यह कौशाम्बी में स्थित था, प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था। मुगल शासक अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। ठीक है, कौशाम्बी में स्थित था, मुगल शासक अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। क्लियर हो गया? प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थापित था, मुगल शासक अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। ये पहला हो गया पॉइंट। क्लियर है सबको? चलो अब दूसरा पॉइंट लिखो, दिल्ली टोकरा, दिल्ली टोकरा, दिल्ली टोकरा। यह स्तंभ टोकरा नामक स्थान में था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। यह स्तंभ लेख टोकरा नामक स्थान में स्थापित था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। दिल्ली के किले में, है ना, याद रखना, दिल्ली में मतलब दिल्ली के किले में स्थापित करवाया। ठीक है, हो गया सभी का? तीसरा लिखो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। अर्थात यह वाला स्तंभ लेख भी कहां पे स्थित था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था। यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किले में स्थापित करवाया, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किले में स्थापित करवाया। क्लियर है? दिल्ली मेरठ, थर्ड वाला हो गया, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक स्तंभ स्थापित था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के किले में स्थापित करवाया। मतलब मेरठ से निकलवा के दिल्ली के किले में स्थापित करवाया। क्लियर है? मेरठ से निकाल के दिल्ली के किले में स्थापित करवाया। चौथा लिखो रामपुरवा, 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 रामपुरवा स्तंभ लेख जो है कहां पे स्थापित है? रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण यानी कि बिहार में स्थापित है। चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा स्तंभ लेख जो कि बिहार के चंपारण में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर है? बिहार के चंपारण में स्थापित किया गया था। पांचवा लिखो लरिया एरे राज, लरिया, लरिया या लारिया दोनों लिख सकते हो, लरिया एरे राज, एरे राज, लरिया एरे राज, लरिया एरे राज, लरिया एले, लरिया एरे राज। तो अब इसको जो सुन के लिख रहे हैं आराम से लिखो, लरिया एरे राज स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थित है। लरिया एरे राज स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थित है। क्लियर है? अगला है लरिया चंपारण स्तंभ लेख, लरिया चंपारण मतलब पता है ये कहां पे है? बिहार में स्थित है। लरिया चंपारण बिहार में स्थित है। क्लियर है? और एक जो है लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, कहां स्थित है इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है मेरे को, मतलब मेरे को नहीं मिली है, मतलब वो बुक में मेरे को मिला नहीं है,
जैसा पता चलेगा वो तो बताऊंगा, इसमें पूरी चीज़ है भी नहीं, 3 से 4 बुक से कलेक्ट करके लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपको 6 नाम 7 नाम 8 नाम बताए जा रहे हैं अलग टाइप के, उसको लिख लो। सातवां जो है लघु स्तंभ लेख है, वो अभी प्रेजेंट में कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है मेरे को, क्लियर है। चलो यहाँ तक सबका हो गया, यहाँ तक सबका हो गया। यहां तक सबका हो गया, एक बार टाइम देख लेते हैं, ठीक है। 7:50 हुआ है, अभी है 10 मिनट। यहां तक एक बार सब रिवाइज कर लो क्या क्या है। मैं एक होमवर्क दिया था जिसको एक बच्चे ने सर्च भी किया है लेकिन वो आंसर नहीं मिल पाया है, उसने ईमानदारी से किया है, इसलिए मैं वो सातों नाम लिखा दे रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के 7 नाम मैं लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम ये मौर्य वाले प्रशासन में जो है प्रशासनिक जो है उसकी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या है उसको हम कल देखेंगे। तो आप यहाँ पे ऑफिशियली जो राजाओं को हमको पढ़ना था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब उस मौर्य प्रशासन की क्या थी, कैसी प्रशासन प्रणाली थी, कैसे मंत्री थे, कितने अध्यक्ष थे, ये सारी चीजें हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के जो 7 नाम थे उनको आप लिख लो। मैं लिखाते भी जा रहा हूं, बोलते भी जा रहा हूं, जो साइन लैंग्वेज में देख रहे हैं देखते रहें, नहीं तो बोर्ड में मैं लिख रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के 7 नाम, ठीक है। चंद्रगुप्त अपन को बोल दो, बोर्ड में देख के लिख ले। हाँ यशस्वी, ठीक है, जो आप होमवर्क दिए थे वह मैं ढूंढी थी, नहीं मिला, कोई बात नहीं यशस्वी, ये चीज थोड़ी सी ज्यादा है, इसको 4-5 बुक जो है अलग अलग उससे कलेक्ट करना पड़ा है, चीजें कई सारी विकिपीडिया में भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लो, लिखते हुए चलो, मैं नाम लेते जा रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के 7 नाम, क्लियर है। पिया दन्यक्षण, पिया दन्यक्षण, थोड़ा सा अजीब सा नाम है ये, अलग अलग बुक में शायद हो सकता है थोड़ा सा अलग आगे पीछे भी नाम मिल जाए, पिया दन्यक्षण, ठीक है। दूसरा नाम है विशाल, दूसरा नाम जो मिलता है वो है विशाल, तो आपको एग्जाम में पहला नाम तो दे के नहीं पूछेगा, दूसरा नाम दे के पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा नाम मिलता है विशाल, दूसरा नाम मिलता है विशाल, तीसरा नाम मिलता है मौर्य पुत्र, तीसरा नाम मिलता है मौर्य पुत्र, ठीक है, तीसरा नाम मिलता है मौर्य पुत्र, चौथा नाम मिलता है चंद्रसीरी, चंद्रसीरी, चौथा नाम है चंद्रसीरी, ठीक है, चौथा नाम है चंद्रसीरी, पांचवा नाम है प्रियदर्शन, पांचवा नाम है प्रियदर्शन, 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 पांचवा नाम है प्रिय दर्शन, छठवां नाम इनका मिलता है कुलहीन, कुलहीन, और सातवां नाम मिलता है पियादासी। याद रखना पियादासी अशोक का भी नाम था, ठीक है, पियादासी अशोक का भी नाम था, क्लियर है।
चंद्रगुप्त मौर्य के सात नाम एक नाटक आया था जो ऐतिहासिक है, मुद्रा राक्षस, इस नाटक के अनुसार है ना, मुद्रा राक्षस नाटक जो है उसके अनुसार, लाइन से सुनते जाना अगर किसी का वो हुआ है तो, पिया दन्य क्षण, दूसरा विशाल, तीसरा मौर्य पुत्र, चौथा चंद्रसीरी, पांचवा प्रियदर्शन, पांचवा प्रियदर्शन, छठवा कुलहीन और सातवा पियादासी। क्लियर है? सातवा पियादासी, ठीक है। अब सिर्फ 5 मिनट बचा है, एक बार मेरे को थोड़ा सा डिस्कशन ये करना था आप लोगों की, जो बहुत कम उपस्थिति रहती है, आप लोगों की उपस्थिति अभी कंटिन्यू बहुत कम उपस्थिति है। अगर कोई कारणवश नहीं आ पा रहा है, किसी के घर में कुछ है या कुछ चल रहा है या एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर का या कुछ भी, तो एक बार पर्सनल मैसेज करके बता दो, उसको हम लोग एक बुक जो है डेटा बुक उसमें लिख लेंगे कि यहाँ पे ये है, इस वजह से स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से अटेंडेंस है उस हिसाब से ही फिर कंटिन्यू करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ऑफलाइन में तो आप लोग 60 से 70 बच्चे तक भी रहते थे, अभी ऑनलाइन में बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं है ना। तो आप अपने जितने भी आस पास भाई बंधु, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं स्पेशल स्टूडेंट्स, वो आ रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, क्या चल रहा है, एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लो आप लोग, है ना। और कोई भी एक जन ना एक नॉर्मल सा मैसेज करके बता देना, सर कि ये समस्या चल रही है इसलिए नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में देखो ना तो 8-10 लोग प्रेजेंट दिख रहे हो, और फिर उसके बाद अगले दिन व्यूज में देखो तो 35-40 हो जा रहा है। तो या तो आप इसलिए इस पढ़ाई को लाइटली ले रहे हो कि चलो भाई आराम से कल तो देख लेंगे, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ये चीज़ मान के चलना, क्योंकि जो चीज़ आपको जिस समय पे मिलती है ना उसी समय आप उस चीज़ को ले लो, ठीक है। आपका धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा कोर्स, बढ़ते जाएगा और आप सोचोगे हमारे पास तो स्टॉक में है आराम से देख लेंगे, ये गलत है ना। अगर क्लास का टाइम है, अगर मान के चलो आप ऑफलाइन आते ना तो आप क्या करते, सामने बैठते ना 6 से 8, तो आप इस चीज को थोड़ा सा जहन में रखो। अगर मतलब गवर्नमेंट ने शासकीय संस्थाओं में ये योजना शुरू की गई है, अगर ये असफल हो गई तो क्या होगा आने वाले दिनों में, दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसी कोचिंग कहाँ से चालू करेंगे फिर से। और आप लोग मतलब स्पेशल बच्चे हो, आपका पढ़ाई कर रहे हो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना लक्ष्य थोड़ी ना है, लक्ष्य ये भी है कि आप किसी एक संस्था में आप एक पोजीशन में पहुंचे, केवल पढ़ाई ना करें, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बने, आप एक प्राइवेट संस्था में जाएं। प्राइवेट संस्था में कितनी जॉब मिलती है आपको पता है? नहीं ना। आप अपने आप को प्रूफ कहाँ कर सकते हो? गवर्नमेंट एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट में आरक्षण है, केंद्र शासन में आरक्षण है। अगर आप इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाओगे तो कोई मतलब नहीं है फिर, सिर्फ ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना बड़ी बात नहीं है। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी नौकरी लगे, क्लियर है। और अगर आप ये सारी चीज़ों को क्लास में ध्यान देते हैं, आप सुनते हैं ना, आप मान के चलो एग्जाम में बैठेंगे और आप इन पढ़ाए हुए चीज़ों में से 5 भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, आप सिर्फ इस चीज़ के लिए पढ़ाई मत करो स्कूल कॉलेज की कि हमको ग्रेजुएट होना है। आप सशक्त हो ना, आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स को भी संभालना है, हर चीज़ को करना है ना, तो जॉब प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और अगर आपकी जॉब प्रायोरिटी है ना तो ये अटेंडेंस का जो रेशियो है ना वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर रहा है कि आप लोग सीरियस हो। जो 5 लोग 7 लोग रेगुलर आते हैं वही सीखते हैं और कोई नहीं। और ऐसा नहीं कि सर भाषण दे रहे हैं, भाषण दे के चले जाएंगे ये वो, हम लोगों का कुछ नहीं, हम लोगों के पास सैलरी आ रही है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए है? आप लोगों के लिए है। आप ही लोग नहीं जुड़ोगे तो क्या मतलब? इसको फिर ओपन लिंक कर देंगे तो क्या होगा, दिव्यांग बच्चों के अलावा जो बाकी लोग हैं वो लोग भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा? कॉम्पिटिशन तो वैसे ही बढ़ जाएगा ना। उनके लिए 50 कोचिंग संस्थाएँ हैं, उनके लिए 50 कोचिंग संस्थाएं हैं, वो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप कहाँ पे जाओगे? तो इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ ना, इसको ऐसे ही वेस्ट मत करो, ठीक है। अभी की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। मंडे छुट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी उसकी मैं ऑफिशियल जो भी है आप लोगों को नोटिफिकेशन या एक मैसेज टाइप करके मंडे को भेज दूंगा। अभी फिलहाल आज की क्लास यहाँ पे डिसमिस करते हैं, अगर मंडे छुट्टी होती है तो फिर ट्यूसडे को मिलेंगे सभी,
ठीक है, सभी को गुड नाइट। बैटरी खत्म।